तो लास्ट जो हमारा सेशन था, हम लोगों ने उसमें डिलीट का बटन एंड अपडेट का बटन जो है वो इंसर्ट कर दिया था, लेकिन अभी तक डिलीशन और अपडेशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये डिलीशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फाइन, देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास डिलीशन का आईडी जनरेट हो रहा है कि इस आईडी को जनरेट करना है, इस आईडी काम करना है। ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ मेन पेज के ऊपर और इसमें था जी हमारा स्टूडेंट डिटेल्स। यहाँ पर देखिए बेटा, ये हमारे पास ये जो बटन क्लिक हो रहा है ये अपडेट वाला बटन है, और ये बटन जो क्लिक आ रहा है ये डिलीट वाला बटन है। अब इसकी कोडिंग हमने करनी है, कैसे करनी है लेट्स सी। ये जो अलर्ट वाला पार्ट है इसको अभी हम लोग नीचे स्किप कर देते हैं क्योंकि अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे। ओके, तो मैं सबसे लिखता हूं पहले वेरिएबल, वेरिएबल आईडी इज इक्वल टू, ये आईडी जो है ये यहां से आ रहा है कंट्रोल सी, हम इसको इस वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। देखिए ध्यान से, जो मैंने जो वेरिएबल क्रिएट कर लिया अलर्ट में, सिंपली ये वेरिएबल पास करवा रहा हूं आईडी। अब ये आईडी आपके सामने डिस्प्ले होना चाहिए अगर मैं बटन को क्लिक करूं डिलीट वाला बटन। देखिए वन इज देयर, ये टू इज देयर, तो आईडी आ रही है। फाइन, अब मुझे इसको डिलीट करने के लिए फिर से वैसी ही कोडिंग लिखनी है जैसे कि हम पहले करते आए। अलर्ट वाले बटन से आप हटा दीजिए, डॉलर साइन डॉट पोस्ट मेथड लगाया हमने, डबल कोट्स कॉमा, यहां से वेरिएबल भेजना है कॉमा, फंक्शन और फंक्शन के अंदर रिस्पॉन्स सर्वर का, उसके आगे फंक्शन की बॉडी। अब यहां पर मुझे वो वाला पेज का पीएचपी का एड्रेस भेजना है जहां पर मैं डिलीशन की क्वेरी चलाऊंगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए है पेज का नाम लिखते हैं डेल डेटा डॉट पीएच, डेल डेटा डॉट पीएच, क्लियर। और यहां पर जो वैल्यू सेंड करनी है, मैं सीरियल नंबर मैं यहां पर लिखता हूं आईडी कॉलन आईडी जो ऊपर से हमारे पास आई है, ये वाली जो आईडी है, ये वाली आईडी, इस आईडी की वैल्यू इधर भेज रहे हैं हम। ऐसे लिखा था पिछले वाले केस में जब मैंने डाटा इंसर्ट भी किया था, देखो ऐसे करके लिखा हुआ आया था वहां पर ऐसा। अभी क्योंकि एक ही आइटम भेजनी है आईडी, तो सिंपल आईडी लिख रहे हैं इसके आगे। और ये रिस्पॉन्स हमारा जो सर्वर का है, यहां पर हम मैसेज लिख देंगे अलर्ट डबल कोट्स में डेटा इज डिलीटेड, That's it. ये काम हमने करना। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जॉब है ये जो डिलीट अंडरस्कोर डेटा डॉट पी एच पी वाली फाइल है, ये फाइल क्रिएट करनी। मैं डबल क्लिक करता हूं और यहां पर एच टी एम एल लिख करके इसको सेव कर लेते हैं। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा आप सबको। और यहां पर इसका नाम दे देते हैं डिलीट अंडरस्कोर डेटा डॉट पी एच। ये देखिए मेरी फाइल बन गई है डेल अंडरस्कोर डेटा डॉट पी एच पी, और यहां पर मैं लिख देता हूं एच टी एम एल। चलिए क्योंकि डेटा डिलीट करना है, सिंपली पी एच पी का कोड लिखते हैं पी एच पी। याद होगा कनेक्शन को पहले कनेक्ट करना है, यहां पर इंक्लूड करेंगे फाइल कनेक्ट डॉट पी एच। यहां तक क्लियर है बेटा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? स्टूडेंट नो सर नो। ओके चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारी क्वेरी लिखनी, डॉलर साइन एसक्यूएल। देखिए वहां से हमने आईडी सेंड किया था तो उस आईडी को रिसीव भी तो करेंगे, तो डॉलर साइन आईडी इज इक्वल टू डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट और स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ आईडी आ जाएगा। आईडी आ गया, अब मेरे को सिर्फ डिलीट की क्वेरी लगानी है। उसको लगाने के लिए हम वापस जाते हैं यहाँ पर और यहाँ खोलते हैं जी लोकल होस्ट पी एच पी माई एडमिन। यहां से क्वेरी पिक करेंगे, इवन क्वेरी भी लिखने की जरूरत नहीं है हम लोग। ये लो जी यहां से क्वेरी को एसक्यूएल को सिलेक्ट किया मैंने,
अभी डिस्प्ले नहीं हुआ, अभी आ जाएगा ये, कई बार थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं इसको ना। यस, यहां से जी मैं पहले अपना टेबल सेलेक्ट करूं, मेरा टेबल है एसएमएस, इसको क्लिक किया, ये स्टूडेंट इन्फो आ गया, और इसमें से एसक्यूएल को सिलेक्ट किया मैंने, ये मुझे क्वेरी देगा। देखिए क्वेरी आ गई, सिलेक्ट स्टार की, सिलेक्ट की, इंसर्ट की, अपडेट की, डिलीट की, तो मैं डिलीट का बटन क्लिक करता हूं तो मेरे पास डिलीट की क्वेरी आ गई। देखिए आपके सामने कंट्रोल सी कॉपी किया इसको, और यहां पर जाकर के बच्चे पेस्ट करते हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर, यहां पर SNO इक्वल टू आईडी, जो भी हमने आईडी ली है ना, डॉलर साइन आईडी, ये लो, दैट्स इट, काम खत्म हो गया। आप क्वेरी चलाएंगे, डॉलर साइन रिजल्ट इज इक्वल टू MySQLi underscore query, यहां पर दो पैरामीटर्स वी हैव टू सेंड, डॉलर एंड कॉन। अब उसके बाद चेक करेंगे क्या रिजल्ट सक्सेसफुल आ गया, डॉलर साइन रिजल्ट, क्योंकि जब ये क्वेरी फायर होगी, ये जो क्वेरी है जब ये फायर होगी, जब ये चलेगी, इसका आंसर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो हम चेक कर रहे हैं इफ डॉलर साइन रिजल्ट, मतलब क्या ये रिजल्ट आ गया है, इफ यस ट्रू, तो यहां लिख देंगे इको रिकॉर्ड इज डिलीटेड, और अदरवाइज एल्स पार्ट में है ना, एल्स पार्ट भी चाहिए हमें, एल्स पार्ट में यहां पर लिखेंगे इको सेड टू डिलीट द रिकॉर्ड, फाइन, ये हमने कर लिया अपना। अब स्टूडेंट डिटेल वाले पेज पे वापस जाते हैं, जहां पर ये कोड हमने लिखा था ना, डेटा इज डिलीटेड। ये काम करने के बाद याद रखना बेटा, आपने उसी पेज को रिफ्रेश जरूर करना है, ताकि आपको नजर आ जाए कि आपका रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है वहीं पर। गॉट इट, तो उसके लिए आएगा डॉक्यूमेंट डॉट रिप्लेस, या एक इसके लिए हमने देख लेते हैं, रीडायरेक्ट करने के लिए हमारे पास है एक डॉक्यूमेंट डॉट जावास्क्रिप्ट। कई चीजें ऐसी होती हैं कि हमें याद करने की जरूरत नहीं होती, जब रिक्वायरमेंट होती है तब इसको आप यूज कर सकते हो। ओके, ये है मेथड हमारे पास, इस मेथड को एक बार देख लेते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है, लोकेशन डॉट रिप्लेस है, मैं डॉक्यूमेंट लिख रहा था, लोकेशन डॉट रिप्लेस, तो ये लीजिए लोकेशन डॉट रिप्लेस, और मुझे इसी का दोबारा से लिंक देना पड़ेगा, स्टूडेंट स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स डॉट पी एच, ये लो बेटा, अब ये ऑटोमेटिकली रिप्लेस भी हो जाएगा डाटा डिलीशन के बाद। मैं डाटा डिलीट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप, ये मेरा पेज बना हुआ है, मैं लास्ट रिकॉर्ड सुमित शर्मा वाला डिलीट कर रहा हूं, डेटा इज डिलीटेड, मैसेज आ गया, वो देखो बेटा चला गया रिकॉर्ड, स्टूडेंट ओके सर, क्लियर है ना, यस सर यस। अब देखिए सेकंड रिकॉर्ड मैं डिलीट कर रहा हूँ, रमेश वाला, ये वाला सेकंड रिकॉर्ड, तो इसके लिए फिर से इसको डिलीट बटन दबाया, रिकॉर्ड इज डिलीटेड, ओके, देखिए सेकंड वाला भी चला, अब किरण आ गई है सेकंड नंबर पर। तो इस तरह से हम लोग रिकॉर्ड जो है डिलीट कर सकते हैं। अब मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ। अच्छा देखिए, डेटाबेस में से भी रिकॉर्ड जा चुके हैं, कीप दिस थिंग इन माइंड, ये देखिए
दो रिकॉर्ड रह गए हमारे डेटाबेस। अच्छा, तो इसी तरह से अगर आपका वेबसाइट जो थी, आई थिंक ई कॉमर्स से रिलेटेड अगर वेबसाइट है या ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड वेबसाइट है, तो उसमें प्रोडक्ट अपलोड करना, तो वो प्रोडक्ट जो अपलोड करने हैं वो तो आप कर ही दोगे, वो तो मैंने बता दिया कि जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड अपलोड करना है वही प्रोडक्ट अपलोड किए हैं आपने। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स आपके अगर चले गए वहां से, खत्म हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं, तो आपने डिलीट यहां से करना है बटन से, तो आपके प्रोडक्ट डिलीट हो चुके हैं। गॉट इट? कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट का रेट करना या प्रोडक्ट का टाइटल डिस्क्रिप्शन चेंज करना, तो उसके लिए अब अपडेट वाला बटन जो है हमारा काम करेगा, और मैं अपडेट वाले बटन के ऊपर अब काम करने जा रहा हूँ। वो देखो कैसे आपने काम करना है। फाइन, तो लेट्स सी, वापस जाते हैं। पहले हम लोग रिकॉर्ड अपलोड करते हैं एक दो, ताकि पता चल जाए हमें। सूरज, रोल नंबर 1008, ईमेल आईडी suraj@yahoo.com, कॉन्टैक्ट नंबर 1199882, क्लास से MCA, एड्रेस से दिल्ली। ओके, रिकॉर्ड इज इंसर्टेड, और अगर चेक करना हो तो हम देख सकते हैं ये रिकॉर्ड मेरे पास अभी भी सूरज का आ गया, ये रहा। नेक्स्ट, एक रिकॉर्ड और एंटर कर देते हैं हम लोग, फिर उसके बाद अपडेशन का काम करें। से रमित, रमित रोल नंबर 1006, ईमेल आईडी ramit@gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर 8899673, क्लास से MCA, एड्रेस से LDH या लुधियाना लिख देते हैं। सेव। तो ये रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर दिए हैं। इसी तरह से अगर आप अपना ई कॉमर्स का बना रहे हो, तो ई कॉमर्स में इस तरह से ही आपके जो प्रोडक्ट हैं अपलोड हो जाने हैं वहां पर। बस वो होता है कि वहां पर एक इमेज एक्स्ट्रा आ जाती है साथ, बाकी सारी चीजें वैसी रहती है। ठीक है, देखिए चार रिकॉर्ड हमारे आ चुके हैं। ओके, अब हमें इनको अपडेट करना है। अपडेट वाला बटन लगाएंगे तो कैसे अपडेट करना है, मैं वो दिखा रहा हूं आपको। लेट्स सी, वापस चलते हैं इसके ऊपर। डिटेल्स वाला, इसका देखिए कौन सा पेज था पहले, जहां से डेटा फेच हो रहा है। आई थिंक फेच डेटा, या यहीं पे बटन लगाया आई थिंक। यस, ये है अपडेट। यहां पर मैं ना बटन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं बटन की बजाय यहाँ एंकर टैग लगाने की कोशिश कर रहा हूं। ए एंकर टैग लगा रहे हैं यहां पर। एचरेफ इज इक्वल टू, एचरेफ इज इक्वल टू अपडेट डॉट पीएचपी। ये ऐसे करके कुछ नया पेज बना रहा हूं मैं, अपडेट डॉट पीएचपी। देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता फिलहाल। ओके, जस्ट ए मिनट। और लास्ट में जो बटन लिखा है ना, उसको भी हम लोग थोड़ा सा डिलीट करेंगे। अपडेट का एंकर टैग तो बीच में आया ही हुआ है। ये देखिए बटन हटा दिया मैंने यहां पर इसमें से। नाउ लेट्स सी, ये देखिए बटन क्लिक किया वन, और ये अपडेट वाले पेज पे जा चुके हैं हम लोग। ये देखिए अभी बना नहीं है ये पेज, अभी इस पेज पे जाएंगे हम। और मैं वापस भी वहां से इसको रीडायरेक्ट करवा देता हूँ। अलर्ट नहीं लगाएंगे हम लोग, जो मेन कोड था ना हमारा डिटेल्स वाला, यहाँ पर मैंने आपको याद हो कि अपडेट वाला बटन लगाया हुआ है। ये देखिए क्लिकिंग एक्शन पे इसका लगाया हुआ है। मैं फॉर द टाइम बीइंग इसको बंद कर देता हूं, अभी इसको चलाते नहीं है हम। यहां पर इसको कमेंट कर देते हैं। लो जी, अब यहां से कुछ नहीं होगा, सिंपली आप अपडेट वाले बटन को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहां पर आप चले जाएंगे। लेकिन यहां पर बेटा जी ध्यान से देखिए, आईडी नहीं जा रही है यहां पर, सिर्फ अपडेट वाला बटन जा रहा है।
अपडेट के पेज ओपन हो रहे हैं और कुछ नहीं जा रहा है यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं यहीं पर जा करके एक छोटा सा काम करता हूं अपडेट वाले में, यहां पर क्वेश्चन मार्क लिख के यहां पर मैं लिखता हूं आईडी इज इक्वल टू, आईडी इज इक्वल टू ये जो रो वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, यही आईडी इसको यहां पर असाइन कर देता हूं, बाकी सब तो डिलीट कर देंगे यहां से, ये डिलीट कर देते हैं, यहां पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो आईडी के लिए यहां पर इसको लगा देते हैं ताकि हम देखें कि क्या वाकई आईडी जाती है कि नहीं जाती है। लेट्स सी, मैं यहां पर आईडी लगा दिया हमने, डबल कोट्स डॉट डॉट डबल कोट्स, लेट्स सी, ये डबल कोट्स ये नहीं रहना चाहिए। चलिए अब दोबारा इसको चला के देखें क्या आईडी जा रही है, ये कुछ गया है जी ऊपर देखिए, थ्री आईडी थ्री गई है, कुछ ऐसा गया है, देखते हैं यहाँ पर कुछ गड़बड़ भी हुई है कि क्लास ने बिहेव करना बंद कर दिया सही तरीके से। तो यहाँ पर अपडेट डॉट पीएचपी क्लिक किया, रन किया, क्लासेस अपडेट के लिए वापस आ गई, यहाँ जा रहे हैं, चल रहा है जी, बिल्कुल चल रहे हैं। यहाँ पर हम जा करके बच्चे लिखते हैं अपडेट क्वेश्चन मार्क और एम्परसेंट आईडी इज इक्वल टू, उसी आईडी को दोबारा से पेस्ट करेंगे रो जीरो वाली, कंट्रोल सी, और अब देखते हैं क्या आ जाता है हमारे पास। लेट्स सी, देखिए बेटा ऊपर देखिए ध्यान से, ये आईडी करके आ गया वन, यहां पर देखो रमित की आईडी सिक्स जा रही, देखो ध्यान से, दो रिकॉर्ड डिलीट किया, लास्ट वाला सूरज की आईडी भी जाएगी फाइव, देखिए ये जा रहा आईडी साइड, ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए आईडी जा रही। अब मैं क्या करूंगा, अब बहुत आसान है काम हमारे पास करने अपडेट करने के लिए, आपको याद है ये फॉर्म बनाया था हमने, ऑलरेडी बनाया हुआ ये फॉर्म ये वाला, और वो सारी फील्ड्स इसी में आ जाएं, यहीं से मैं अपलोड कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा मैं, है ना, तो ये अपलोड अंडरस्कोर इन्फो वाला पेज कॉपी हो जाएगा मेरे पास, देखिए कैसे, अपलोड अंडरस्कोर इन्फो ये वाला पेज, मैं बाकी सारे पेजेस जो है बंद कर देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे, ये देखिए, और ये जो अपलोड इन्फो वाला पेज है इसको हम कंट्रोल ए सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी कॉपी करते हैं और एक नया पेज क्रिएट करके उसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं, नाम रखेंगे अपडेट डॉट पीएच, दैट्स इट। तो ये फॉर्म मेरा बन चुका है यहां पर, देखिए इसमें ऑलरेडी अपडेट डॉट पीएचपी वाले में सारी इंफॉर्मेशन है, देखो मैं चला के दिखाता हूं, लोकल होस्ट और उसके बाद स्लैश वर्कशॉप स्लैश एसएमएस, इसमें से हमारा पेज है अपडेट डॉट पीएचपी, देखिए बेटा ये पेज चल पड़ा है हमारा, लेकिन इसका नाम टाइटल भी बदलने वाला है तो इसको मैं चेंज करूंगा, टॉप पर जाते हैं, यहां पर लिखते हैं जी अपलोड की जगह पर अब आएगा अपडेट इंफॉर्मेशन, अपडेट इंफॉर्मेशन, और इसको डिलीट कर देते हैं यहां से, कुछ नहीं चाहिए मुझे, और नीचे जो बटन लगाया था ना सेव वाला, उसके अंदर भी जो वैल्यू है वो चेंज कर देंगे, यहां लिखेंगे अपडेट। अब आप देखिए पेज का लुक चेंज हो चुका है, मैं थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये अपडेट वाला पेज है, उसके लिए बहुत आसान, पहले डेंजर दिया हुआ था हमने, है ना, पीजी डेंजर, तो अब इसको डेंजर ना दे करके सक्सेस कर दे, क्लास इसकी बीजी बैकग्राउंड सक्सेस कर दे,
कुछ और कट गया, फिर अगला क्लास गड़बड़ होगी। एक क्लास यही वाला है, क्लास सक्सेस सक्सेस, लेट्स सी। या अपडेट इन्फॉर्मेशन क्लास सक्सेस की होगी, अपडेट वाला बटन नीचे वैसे ही आ गया, इसको भी थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग, जो बटन है उसको भी कोई और क्लास दे देते हैं, बटन सक्सेस की बजाय इसको बटन डेंजर दे देते हैं। लो बेटा, और इसकी आईडी भी सेव बटन नहीं रहेगा, अब इसकी आईडी बदल देता हूं मैं, अपडेट बटन कर देते हैं, अपडेट बेटी है। ये लो, अब ये क्लिक वगैरह सारी इवेंट्स इसके ऊपर सब कुछ चलेगी, बस हमने अब अपडेट करना है। वेरी इजी टास्क रह गया इसका, आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस टास्क। सबसे पहले ये सेव बटन का नाम आपने अपडेट किया है ना यहाँ पे आईडी, तो इसकी अपडेट कर दो, अपडेट बेटी है। बाकी वैल्यूज एज इट इज जाएंगी सारी की सारी, है ना, कोई भी ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, ये भी ठीक रह गया। पोस्ट और ये डेटा जो है आपका, अब एसटीडी अंडरस्कोर डेटा लिखा था, अब इसके आगे एक और चीज लिख देते हैं अपडेट, अपडेट, ये सारी फील्ड्स वहां पर जा रही हैं, फाइन। लेकिन बेटा एक फील्ड वहां से दूसरे पेज से ना, ये देखो अपलोड इन्फो, जो पहले वाला जो हमारा ये, इसको छोड़ देते हैं, स्टूडेंट्स अंडरस्कोर डिटेल पेज, ये वाला पेज है, ध्यान से सुनना बच्चे। ये वाला पेज जो है स्टूडेंट्स डिटेल्स, जब हम अपडेट का बटन क्लिक करते हैं तो यहां से आप इस तरफ मूव कर जाओगे इस पेज, देखो ध्यान से, आप इस पेज से बेटा अपडेट का बटन दबाओगे तो आप इस पेज पे मूव कर जाओ, क्लियर। लेकिन जब आप उस पेज पे मूव करते हो ना, तो ये आईडी लेके जा रहे हो साथ, देखो ऊपर, ओके, ये यूनिवर्सल वेरिएबल है, यूआरएल है ये यूनिवर्सल, आप उसको दूसरे पेज पे लेके जा रहे हो आईडी। तो अगर यहां से सेंड कर रहे हो तो ये अपडेट अंडरस्कोर इंफॉर्मेशन वाला जो पेज है यहां पर, ये रिसीव भी तो होनी चाहिए आईडी, तो बड़ा आसान है भाई इसको रिसीव करना यहाँ पर। अपडेट वाला जो स्टूडेंट अपडेट वाला जो पेज है ना, अपडेट डॉट पी एच पी, इस पे टॉप पर आप इसको फेच कर लो पहले, इंक्लूड अंडरस्कोर यहां पर लिखेंगे आप डॉलर साइन आईडी इज इक्वल टू डॉलर साइन अंडरस्कोर गेट, ये गेट मेथड यूज करना है आपने, याद रखना, अगर आप ऐसे वेरिएबल भेज के रिसीव करेंगे तो गेट मेथड यूज करना है आपने आईडी। देखिए अब आईडी आपके पास आ चुकी है और मैं इस आईडी को प्रिंट करवा रहा हूं कहीं पर, देखिए कैसे मैं प्रिंट करवाता हूं, मैं अभी फॉर द टाइम बीइंग ना, मैं इसको जी इस आईडी को प्रिंट करवाऊंगा नेम की जगह पर, यहां पर प्रिंट करवाऊंगा इस टेक्स्ट बॉक्स में, ताकि पता चले भी हाँ आईडी आ रही है यहां पर, ओके। यहां पर गए हम लोग, ऑटो कंप्लीट ऑफ किया हुआ है, इसकी वैल्यू जो है ना, एंटर द नेम लिखा हुआ, मैं यहां वैल्यू डाल देता हूं, वो वाली आईडी, देखो वैल्यू इज इक्वल टू यहां पीएचपी का कोड, क्योंकि पीएचपी से डाटा आ रहा है, डॉलर साइन आईडी, दैट्स इट। ये देखिए आईडी जो आई थी ये पीएचपी में रिसीव की, चलिए अब इसको चला के देखते हैं, ये देखिए वन आ गया, स्टूडेंट डिटेल्स में जाते हैं, रमित का आईडी देखते हैं, देखिए अपडेट किया, देखो 6 आ गया मेरे पास जी सर। बेटा आईडी हमारे पास जिसके ऊपर हमने अपडेट करना है वो आईडी आ चुकी है, अब हमारा काम सिर्फ अपडेशन का रह गया। मैं एक और काम भी करके दिखाता हूँ, वापस जाते हैं हम लोग स्टूडेंट डिटेल्स में, यहाँ पर सूरज के लिए निकालते हैं, देखिए सूरज का भी आईडी आ गया है, ओके सारी आईडीज मेरे पास आ रही है। अब मुझे क्या करना है, अभी वहां से मैं क्लिक करूं तो सारा डेटा यहां पर फिर खोला जाना चाहिए, ये चीज मैं चाहता हूं बेटा, वहां से जब मैं क्लिक करूं तो ये सारा डेटा इसमें आना चाहिए ताकि उसको अपडेट कर सके। तो बड़ा आसान है, एक बार आईडी आपके हाथ में आ चुका है, अब मैं बाकी चीजें भी करके दिखाता हूं, देखिए ध्यान से, पहले इसको आईडी को हम लोग ये जो आईडी है ना, एक यहां पर फील्ड बनाएंगे हिडन,
इनपुट टाइप हिडन बनाएंगे क्योंकि आईडी शो नहीं होना चाहिए. ओके मैं यहां लिख रहा हूं इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन. हिडन का मतलब होता है यूजर को दिखाई नहीं देगा. वैल्यू इसको आईडी दे देते हैं. आईडी इज इक्वल टू आईडी दे देते हैं इसको एंड वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू इसके दे देते हैं पीएचपी के कोड के अंदर इको और इको दे दिया. इको के बाद डॉलर साइन आईडी. ठीक है जी आईडी यहां पर आ चुकी है और ये वाली आईडी जो है मैं इसका नाम एसएनओ कर देता हूं. इस आईडी का नाम जो है ना ये जो हिडन वाली आईडी है इसका नाम एसएनओ कर देता हूं और यहां पर आईडी डाल देते हैं. किसने एरर क्यों शो किया है भाई. अच्छा सेमी कॉलन नहीं लगाया. सेमी कॉलन तो लगाया मैंने. अच्छा स्पेलिंग गलत है. ई सी एच ओ सॉरी आईडी. तो ये हिडन वाले पार्ट में जिसकी आईडी एसएनओ है उसके अंदर मैंने ये डेटा शो कर दिया है. अब देखिए ऊपर मैं क्वेरी लिखने जा रहा हूं ध्यान से देखना. यस बेटा यहीं पर क्वेरी लिख रहा हूं इस पेज के लिए. डॉलर साइन एसक्यूएल इज इक्वल टू इसके लिए सिलेक्ट स्टार वापस जाते हैं यहां पर और एसक्यूएल का बटन क्लिक किया और यहां पर सिलेक्ट स्टार चाहिए. ये लो सिलेक्ट स्टार भी आ गया. कंट्रोल सी वापस गए पेस्ट कर दिया. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इनफो देयर एसएनओ इज इक्वल टू डॉलर साइन आईडी. ओके जो आईडी वहां से भेजी है यहां आपको अगर डॉलर साइन लगाना है डॉलर साइन लगा लो. जो ऊपर से आईडी आई ना तो यहां पर हम लोग लगाते हैं डॉलर साइन आईडी. दैट्स इट. तो वो सारा डेटा मेरे पास फेच हो चुका है. आप क्वेरी चलाते हैं डॉलर साइन रिजल्ट आपको याद होगा आई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर क्वेरी आई एस क्यू एल आई एम वाई नहीं लगाया सॉरी अंडरस्कोर क्वेरी. क्वेरी में दो वेरिएबल डॉलर साइन फॉन एंड दूसरा डॉलर साइन एस क्यू एल. डेटा आ गया. अब उसके बाद वाइल डॉलर साइन रो इज इक्वल टू माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे ऑल नहीं आना एरे आएगा एरे और डॉलर साइन रिजल्ट. लो बेटा जी रिकॉर्ड अब मेरे पास आ चुका है. फाइल तो खत्म हो गया ना यहां पर या हाँ जी. अब मुझे जो नीचे शो करना है ना डेटा आइटम में यहाँ पर शो करना है. देखिए क्या क्या करना है. नेम शो करना है रोल नंबर शो करना है ईमेल आईडी शो करनी है. तो मैं उसका कोड अब यहीं से वेरिएबल बना रहा हूं. पहले डॉलर साइन नेम इज इक्वल टू डॉलर साइन रो. नाम क्या था तो सर नेम ही दिया हुआ आई थी. डेटा बेस के अंदर भी नेम नेम दिया हुआ हमने. कंट्रोल सी सिक्स आइटम्स शो करनी है तो सिक्स ऐसे वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे. देखिए कौन कौन से हैं. दूसरा है जी रोल नंबर. तो यहां पर लिखते हैं रोल और यहां पर आई थिंक था रोल अंडरस्कोर एन. नेक्स्ट है ईमेल. तो यहां पर बेटा जी लिखेंगे हम लोग ईमेल. नेक्स्ट ईमेल के बाद हमारा आ गया कॉन्टैक्ट. ये जो नाम डेटाबेस में है वही नाम यहां पे लिखने हैं कॉन्टैक्ट. नेक्स्ट हमारे पास आ गया बेटा क्लास एंड एड्रेस. ये एसटीडी था और एड्रेस आ गया. यहां पर एड्रेस आ गया और यहां पर एसटीडी आ गया. स्टूडेंट्स यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए आप लोग बेटा. निखिल जगविंदर समझ में आ रहा है बेटे. हाँ जी सर. ओके बस इसको हमने बेटा अब शो करना है. डेटा हमारे पास आ चुका है इसको शो करना है. जैसे नेम है तो
तो नेम वाले के अंदर शो कर देना है, नेम वाली इनपुट यही है ना आई थिंक, नेम वाली इनपुट देखते हैं कौन सी है, टेक्स्ट बॉक्स, ये देखो ये पहली नेम वाली है, तो लिखा था ना वैल्यू इज इक्वल टू, ऐसे ही यहां पर मैं इक्वल नेम कर रहा हूं, ये लो बेटा अब देखते हैं नेम आ रहा है, मैं वापस जा रहा हूं यहां से, उसने कह दिया अनडिफाइंड वेरिएबल कौन, लाइन का कुछ एरर दिया है, देखें क्या एरर दिया है, या तो मैंने वो इंक्लूड नहीं किया होगा, या ध्यान से देखो मैंने वो इंक्लूड नहीं किया जो फाइल इंक्लूड करनी चाहिए थी कनेक्शन वाली, इंक्लूड याद है नाम क्या था, कनेक्ट डॉट पी एच पी, वेरी गुड कनेक्ट डॉट पी एच पी, ये लो सिर्फ इतना सा काम करेंगे, और ये देखिए अब भी नहीं है अनडिफाइंड टेक्स्ट ईमेल, इन 11th लाइन में ईमेल का कुछ गड़बड़ कह रहा है, अनडिफाइंड इंडेक्स ईमेल 11th सर, ईमेल अंडरस्कोर आईडी है, हाँ जी सर ईमेल अंडरस्कोर आईडी तो नहीं है, मैं देख लेता हूँ बेटा वहां पर, अभी देख लेते हैं, हाँ ईमेल अंडरस्कोर आईडी, सॉरी तो यहां पर ईमेल अंडरस्कोर आईडी है, अभी देखते हैं यहां पर गए, यस एरर तो चले गए सारे, यहां से वापस आते हैं डिटेल से और इसको क्लिक करते हैं, यहां पर तो आ गए आईडी आ गया लेकिन क्वेरी फायर नहीं हुई यहां पर ना, कुछ गड़बड़ आया, चलो यहां से अभी चेक करते हैं क्यों गड़बड़ क्यों आया, क्योंकि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, यहां तक तो क्वेरी भी आ चुकी थी हमारी, यहां तक तो है ना, तो हम रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या आ रहा है गड़बड़, वहां से हमें पता चल जाएगा, यहां पर हम करते हैं जी इको डॉलर साइन रिजल्ट और साथ में इसको एग्जिट भी करवा लेते हैं, रिजल्ट दिखा के एग्जिट भी करवा लेते हैं, ये आ गया फैटल एरर कुछ, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर रिजल्ट कुड नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग इन 7 फैटल एरर, ये कुछ एरर इसने शो किया है जी, चलो करते हैं इसके ऊपर काम, कहां गड़बड़ की है, ये लो इको डॉलर साइन रिजल्ट माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर क्वेरी कौन चल पड़ा, एसक्यूएल चल पड़ा, यहां तक तो कोई डाउट नहीं, तो बेटा हम लोग यहां पे काम करते हैं, इको छोड़ते हैं अभी, ये लो जी क्या लिखते हैं, इफ डॉलर साइन रिजल्ट, ये क्यों नहीं चला इसको देखते हैं अब, क्या इसका वैल्यू क्या आ रही है उससे हमें आइडिया हो जाएगा, इफ रिजल्ट इको, यहां अलर्ट लगाएंगे हम लोग, इको स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट टैग बंद किया और यहां पर लगाते हैं अलर्ट डॉलर साइन रिजल्ट, डॉलर साइन रिजल्ट हमने शो किया यहां पर, डबल कोट्स डॉट डॉट डबल कोट्स, फाइन एल्स चला के भी देखते हैं एल्स पार्ट में क्या आता है, अगर ट्रू ना आया तो फिर कुछ ना कुछ तब भी चलना चाहिए, यहां पर सेमी कॉलन लगाएंगे, कंट्रोल सी और यहां पर ये चला, लो जी अब चला के देखते हैं अब क्या गड़बड़ाई, वापस चलते हैं हम, अपडेट किया फिर से ये फैटल एरर आ रहा है, रिमूव फैटल एरर ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर करेक्ट, 9th लाइन में अब एरर शिफ्ट कर दिया उसने, ठीक है तो 2 मिनट बेटा मैं, यस बेटा तो हम बार बार जो काम कर रहे थे बेसिकली वो डेटा शो क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि वो मैंने हिडन फील्ड जो क्रिएट की थी उसके अंदर डेटा नहीं आ रहा था,
जबकि मुझे करना किसमें चाहिए था, मुझे करना चाहिए था जो नेम वाली फील्ड है, जैसे कि ये टेक्स्ट, ये वाली फील्ड, इसमें करना चाहिए था। अब देखते हैं डेटा आता है कि नहीं आता। देखिए बेटा वापस चलते हैं वहां से स्टूडेंट डिटेल से, अपडेट किया, अब भी एंटर नेम आ रहा है, अब डेटा आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। नेम शो करना ना, इको नेम इनपुट टाइप ऑटो कंप्लीट कंटेनर आ गया, नेम टेबल नेम आ गया हमारा, ठीक है। और इनपुट ऑटो कंप्लीट ऑफ हो गया हमारा, ठीक है जी। टेक्स्ट टाइप आ गई, ठीक है बिल्कुल। क्लास होम क्लास आईडी एनएम है इसमें, प्लेस होल्डर मैं अब हटा रहा हूं यहां से, डेटा हमारा वहां से आएगा, प्लेस होल्डर हमने हटा दिया, आईडी इसकी एनएम है, ये भी ठीक है जी। इको पीएचपी नेम, अगर आईडी आ रहा है तो नेम भी आएगा यहाँ पर, डॉलर साइन आईडी, इसको भी देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। रिफ्रेश किया, कंट्रोल किया, आईडी भी नहीं भी आया, व्हाट इज द प्रॉब्लम, आईडी आईडी आईडी, यहाँ पर आईडी तो आना चाहिए भाई, कहाँ पर गड़बड़ कर। जस्ट टू मिनट्स, मैं अभी चेक, कभी कभी ये दिक्कत आ जाती है, थोड़ा पेशेंस के साथ आपको चेक करना पड़ता है कोड, फाइन, गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल बी, इसको कर देते हैं हिडन, ओके, इसका आईडी कर देते हैं जी एसएनओ, ठीक है, और एंटर नेम वगैरह कुछ नहीं आना क्योंकि ये हिडन ही है। ऑटो कंप्लीट कुछ नहीं आना क्योंकि ये हिडन है, और वैल्यू इसमें आ गई है आईडी, ठीक है। अब देखते हैं दोनों में आईडी आएगा, देख ये लो, ये देखो थ्री आ रहा है यहाँ पर, मैं वापस जाता हूँ वहां से, अपडेट वाला बटन दबाया, थ्री आ गया, लास्ट रिकॉर्ड को करते हैं फाइव आ गया, तो इसका मतलब आईडी आनी शुरू होगी। अब आईडी आ गई है तो 100% श्योर बाकी का डेटा भी आ जाना चाहिए, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर एक फाइल इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड, उसके अंदर है जी कनेक्ट डॉट पी एच पी, फाइन, यहाँ क्वेरी लगा देते हैं, डॉलर साइन एसक्यूएल इज इक्वल टू डबल कोट्स में, वो क्वेरी हम लोग यहां से पिक करेंगे, याद होगा अभी मैंने क्लिक की थी, ये लो सेलेक्ट स्टार, ये वाली क्वेरी, कंट्रोल सी, यही क्वेरी यहाँ पर पेस्ट कर दी, और वेयर, वेयर में लिख दिया जहां पर एस एन ओ की वैल्यू डॉलर साइन आईडी के बराबर है वो चलाओ, आईडी, ओके, यहां तक हम काम कर चुके हैं, ओके, डॉलर साइन रिजल्ट इज इक्वल टू माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी क्वेरी, दो पैरामीटर भेजने हैं, डॉलर साइन कॉन डॉलर साइन एसक्यूएल, दोनों पैरामीटर भेज दिए, काम चल पड़ा। अब इफ डॉलर साइन रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर हमने लिखना है वाइल वाला जो मैंने बताया था वो, वाइल, वाइल में लिखा डॉलर साइन रो इज इक्वल टू माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे डॉलर साइन रिजल्ट, और यहां पर अभी मैं एक ही वेरिएबल ले रहा हूं, डॉलर साइन नेम इज इक्वल टू डॉलर साइन रो, और यहां पर आएगा नेम क्योंकि मेरे ख्याल से वहां पर भी नेम ही है। तो अब जो आईडी यहां पर लिखा था ना पहले वाले पेज में, मैं यहां पर नेम लिख रहा हूं, लेट्स सी इट इज वर्किंग और नॉट। ये देखिए सूरज आ गया बेटा, स्टूडेंट्स आ गया सर, सूरज आ गया,
हाँ मतलब डेटा आ गया वहां से ना, तो बाकी डाटा भी फेच कर लेते हैं बस। मिस्टेक कहीं पे भी नहीं होती, कई बार रीसेट करके आपको चेक करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर बाकी के वेरिएबल भी ले आते हैं, वहां पर था रोल अंडरस्कोर नंबर था आई थिंक, हाँ जी हाँ जी तो यहाँ पर रोल डाल दो। देखें यही है ना, वहां पर चेक करना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर में जाते हैं कि डेटा अपना आ चुका है, अपडेट करना रह गया बस। या नेम के पास रोल अंडरस्कोर नंबर है, ईमेल अंडरस्कोर आईडी है, ये लो बेटा जी, रोल अंडरस्कोर नंबर आ गया, कंट्रोल सी, ईमेल अंडरस्कोर आईडी आ जाएगा, ईमेल अंडरस्कोर आईडी, ईमेल आ गया। लास्ट स्टेप देखिए, डॉलर साइन कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू डॉलर साइन रो, क्या था कॉन्टैक्ट नंबर था कि कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट था, कॉन्टैक्ट 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 आ गया। उसके बाद एसटीडी और एड्रेस चाहिए ना, एड्रेस का ऐड था। एसटीडी हाँ एसटीडी आ गया, और क्या है एड्रेस, एड्रेस का ऐड डॉलर साइन एड इज इक्वल टू डॉलर साइन, नहीं, नो सर, रो में ऐड है, बाहर एड्रेस है। ओके 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 फाइन वहां पर फाइन देखता हूँ वहां पर क्या है। वहां पर एसटीडी तो स्टैंडर्ड हो गया ना, एड्रेस ही होगा इस, ये देखो एड्रेस का एड्रेस ओके कर देता ओके हूँ, डॉलर साइन यहां पर था एसटीडी यानी क्लास, डॉलर साइन रो यहां पर रहेगा एसटीडी। सारे वेरिएबल मेरे पास आ चुके हैं, बस इनकी वैल्यू उसमें डालनी रह गई है बेटा। मैं कॉपी कर रहा हूँ यहां से, देखो इतनी सी फील्ड, देखो कितना इजी है, ये लाइन कॉपी पेस्ट करे जाना है सब में। आप देखिए नीचे चले गए, हम नेम डाल चुके हैं, हम लोग रोल नंबर डाल रहे हैं, तो ये लो जी सर, रोल एसटीडी आपने दो बार ही लिख दिया। नंबर। क्या चीज बेटा, सर एसटीडी हमने दो बार ही लिख दिया है ऊपर। ऊपर, जी ओहो तो क्या मिसिंग है फिर, सिक्स आइटम थी ना हमारे पास, हाँ जी हाँ जी 1 2 3 4 5 6, नहीं ठीक है हमारे पास, नहीं ठीक है। रोल, ये देखो ठीक है बेटा, ठीक है। अब मैं सेकंड डाटा डेटा रोल नंबर का इंसर्ट करने जा रहा हूं, तो ये वैल्यू नेम वाला कॉपी पेस्ट करेंगे कंट्रोल सी, और रोल नंबर वाले ईमेल आईडी में यहाँ डाल देंगे इसको पेस्ट। और लिखना क्या है, रोल था ना, लो जी इसी तरह से ईमेल वाले में ईमेल डालना है, ये लो ईमेल आ गया। इसी तरह से कॉन्टैक्ट वाले में कॉन्टैक्ट डालेंगे, इसी तरह से क्लास वाले में एसटीडी था आई थिंक, लास्ट एड्रेस यस वाले में सर एडीडी था आई थिंक, यस सर देखिए अब वो डेटा उसमें सारा नजर आना चाहिए। ये देखो जी आ गया डेटा सारा, सूरज का रोल नंबर आ गया, ईमेल आईडी आ गया, ये आ गया। यस सर देखो मैं किसी और का स्टूडेंट डिटेल में वापस जाते हैं बच्चे, और मैं अभी रमित का करता हूँ, अपडेट किया रमित का, देखो अमित का डिटेल आ गई सारी। ठीक है सर इसी तरह ठीक है। से रवि कुमार का अपडेट करेंगे, रवि कुमार का आ गया, ठीक है। अब हमने ये काम करना है कि इसमें हम लोग हाँ चेंजेस जी करेंगे, और अपडेट का बटन जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसका डेटा डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा, ये हमारा काम है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नो सर तो कल की क्लास में मैंने मोस्ट प्रोबेबली यही काम करना है, अपडेट करके इसको चला करके दिखा देना है, और मेन पेज हमने डिजाइन कर देना है, और कल हमारा ये सारा वाइंड अप हो जाएगा ये, ठीक है जी। ठीक है सर हाँ तो क्रेड ऑपरेशन करना था, CRUD, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड लीड, उस चारों ऑपरेशन मैंने आपको चला करके दिखा दिए हैं, एंड दे आर वर्किंग प्रॉपरली, ओके। यही हम लोग प्रोजेक्ट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आगे जाकर के कुछ एडवांस होते हैं, टेक्नोलॉजी भी फास्ट कैसे करना है, कुछ क्या करना है, कैसे करना है, सर्च ऑप्शंस होती हैं, है ना, वो मैं आने वाले टाइम में बेटा फिर आपके साथ डिस्कस करूंगा। सर, जब आप वेबसाइट देते हो
तो आप डाटाबेस भी साथ में होता है उसका, वेबसाइट? बिल्कुल, जब वेबसाइट देते हैं ना ओके तो ओके डेटाबेस भी साथ में दिया जाता है, नहीं तो डेटाबेस तो खुद क्लाइंट क्रिएट करेगा ना अपना डेटाबेस। ओके सर, यस ओके ठीक है, चलिए ओके बेटा, आज के लिए इतना, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू।